कि कैसे कैसे संत महापुरुष आए और आ करके अपने समाज को कोई अच्छी चेतना देकर अच्छा अच्छा उपदेश, अच्छा मार्ग, अच्छा रास्ता दे करके चले गए, लेकिन उनके विचारधाराओं पर नहीं कोई चल पा रहा। तो कहना है कैसे, अरे उठो जागे जाओ ना भैया, कहना है अरे उठो जागे जाओ ना भैया, काहे सोए मांगने नींद ये तीन प्रकार की होती भैया, ये नींद तीन प्रकार की होती है। एक नींद है कि हम रात्रि में सोते हैं, एक नींद है हम रात्रि में सोते हैं, यानी सोना तीन प्रकार का होता, सोना तीन प्रकार का होता। एक सोना है जो हम रात्रि में सोते हैं, और एक सोना है जो आभूषण होता जिसे पहना जाता वो भी सोना है, और एक सोना वो है कि हम चल फिर रहे हैं, जीते जागते हैं, करते खाते हैं, पर अपने मानसिक गुलामी में जकड़े हुए हैं, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, यानी हम जीते जागते भी सो रहे हैं। तो कहना है कैसे, अरे उठो जाग जाग ना भैया, कैसे बुद्धि तथागत तुम्हें समझाए गए, पाठ पढ़ा गए, अरे चलो ज्ञान पथ भैया, काहे सोए मगर मां, अरे उठो जाग जाओ ना भैया, काहे सोए मगर मां, अपने समाज को समानता का पाठ पढ़ाया। तो कैसे भैया, कैसे, अरे गुरु रविदास तुम्हें समझाए गए, गुरु रविदास तुम्हें समझाए गए, अरे चलो समता तेरी रहिया, काहे सोए मगन मां, को पंचशीलों का पाठ बड़ा, लेकिन पंचशील बहुत बड़ा, यानी जो पंचशील है भगवान बुद्ध के दिए हुए, ऐसे वो रत्न है। कहना है कैसे, बाबा साहेब तुम्हें समझाए गए, बाबा साहेब तुम्हें
बनो है मेरे भैया चिंतित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब ने क्या कहा? अरे शिक्षित बनो है मेरे